बेलगाम यातायात व्यवस्था की वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा देखने को मिल रहा है। बुधवार की रात बेलबाग थाना अंतर्गत भान तलैया दंगल मैदान के पास में एक बेलगाम ट्रक ने आतंक मचा दिया। ट्रक के आतंक के चलते दो लोग घायल हो गए, जिन्हें शासकीय अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। घटना की जानकारी लगते ही बेलबाग पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त किया गया। घटना को अंजाम देने के बाद में ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक लहराता हुआ आया और जो उसके सामने आया उसे वह टक्कर मारता चला गया। इस घटना में संतोष लोधी और देवेश यादव ट्रक की चपेट में आ गए। बहरहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। ट्रक ने खूब कोहराम मचाया, कितने लोग घायल हुए, ट्रक चला कहाँ है? उसमें एक करीब 10-10:30 बजे की बात थी, पता चला कि एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। मैं मौके पे पहुंचा अपने स्टाफ को लेके, तो ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़ के भाग गया था। ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें दो लोग घायल थे, एक सतीश लोधी एक देवेश यादव। दोनों के पैरों में चोट लगी थी, तो दोनों को 108 वाहन से अस्पताल के लिए रवाना किया गया और ट्रक को कर्मचारी के माध्यम से थाने में खड़ा कराया गया। ये दंगल मैदान बड़ी टंकी के पास सामने की है, मेन रोड की। वॉइस ऑफ राइट्स के जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।